डरो मत, आगे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ जीवा, तुम्हारे होते हुए मौत मुझे छू भी नहीं सकती, लेकिन क्या हमेशा तुम मेरे साथ साय की तरह रह सकते हो? आज अगर मैं अकेली होती तो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ट्रेनिंग दो, ट्रेन करो मुझे, अगर तुम मुझे ट्रेन कर देते तो आज मैं तुम्हारे साथ उनका बराबरी से मुकाबला कर सकती थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर तुम्हें उस लड़की का फोटो दिखाएं तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। फोटोग्राफ सर। क्या ये वही लड़की है? हाँ साहब, ये वही लड़की है, वही है। उसका साथी, उसका साथी, उसका साथी, वो एक था ना, फोर्स तो नहीं थी ना, और तुम लोग कितने थे? 12, पूरे दर्जन। और तुम लोग ऊपर गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है ताकि तुम में से हर एक चार चार लोगों पर भारी पड़े, और वो एक अकेला तुम 12 लोगों पर हावी हो गया। तुम सालवी, तुम अब इस ऑपरेशन को लीड करोगे। यस सर। जितने चाहे लोग अपने साथ लो, जितना चाहे असला अपने साथ लो, वो दोनों कमिश्नर के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। रुको, इस लड़की के साथ ये आदमी कौन जुड़ गया? सर, बाली के केस में गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही बार अदालत में नारकोटिक सेल के ऑफिसर के बयान ने केस को कमजोर किया और अदालत में बाली को छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ड्रग्स का ये कारोबार नारकोटिक्स के लोगों को साथ मिलाकर किया जा रहा है। यस सर। सर, हमें एक मीटिंग में देवराज को तलब करना चाहिए। आखिर एक पब्लिक प्लेस पर हमें बिना इन्फॉर्म किए गोलीबारी की वजह क्या थी? किसी भी पब्लिक प्लेस में हम और आप गोली शौक से नहीं चलाते, यह हमें मजबूरी में करना पड़ता है। उस दिन हम लोगों को खबर मिली थी कि वहां पर ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जब हमारे ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को पहचान लिया और उन पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में हमारे ऑफिसर्स ने गोलियां चलाई। अब पब्लिक की होने की वजह से क्या हमारे ऑफिसर्स उन लोगों की गोलियां झेल लेते ताकि वो शहीद हो जाते? व्हाई? जब इस डील की इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल चुकी थी तो उन लोगों को वहां पहुंचने से पहले भी तो रोका जा सकता था, जबकि वहां पहुंचने का 2 किलोमीटर का सिर्फ एक ही रास्ता है जो बिल्कुल सुनसान है। मुठभेड़ उस रास्ते पे भी तो हो सकती थी। अरे हो तो बहुत कुछ सकता था मिस्टर पुरी। अगर हमें सही वक्त पर इन्फॉर्मेशन मिली होती तो हम उन लोगों को उनके घर पर जाकर पकड़ सकते थे, उनके बेडरूम, उनके टॉयलेट में जाकर उनको गोली मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारी टीम को जो सही लगा हम लोगों ने वैसा किया। देखिए, ये बेवजह बखेड़ा खड़ा करके ऐसे मीटिंग्स में आकर आप लोगों के इन सवालों का जवाब देने में मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात आपके मिजाज या दिलचस्पी की नहीं हो रही मिस्टर देवराज। उस शूट आउट में पब्लिक के कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 2-1 बहुत सीरियस हालत में हैं। लेकिन पब्लिक में से कोई मरा तो नहीं ना? लेकिन मेरा एक ऑफिसर मरा है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, उसकी अस्थियां और राख उसके परिवार वालों को सौंप दी गई है। मेरे ऑफिसर ने अपने सीने पर गोली खाई किसके लिए? पब्लिक के लिए। ये लोग जो जहर का कारोबार करते हैं, उस जहर से मरता कौन है? पब्लिक। मिस्टर पुरी, अगर हमारी किसी एक्टिविटी से पब्लिक का थोड़ा सा नुकसान होता है तो उनको सहना पड़ेगा। हम सबको थोड़ी सी कीमत देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इन अपराधियों का सफाया हो जाए। देखिए मिस्टर देवराज, ये देखिए मिस्टर पुरी, इस केस के बारे में मुझे आप लोगों को जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं। अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन आप लोग कीजिए। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमारे केस इंचार्ज मिस्टर सालवी आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। हैव अ वेरी नाइस डे जेंटलमैन, थैंक यू। सर, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। क्या दमदार जवाब दिया आपने कमिश्नर पुरी को। सालवी, सर ने तो कमिश्नर पुरी की बोलती ही बंद कर दी। मैंने कमाल किया, लेकिन तुमने क्या किया? एक लड़की को नहीं मार सके तुम? अपनी तारीफ के लिए नहीं रखा है तुम लोगों को मैंने। तुम लोग ठीक से काम करोगे तब खुश होऊंगा मैं। यही मार खा जाते हम लोग। अपने काम ठीक से कोई नहीं करता, पर किसी ने इसकी चापलूसी करते रहते, तभी पीछे रह गए हम लोग।
आज पूरे वर्ल्ड में कहां है हम? कहां? बात करता है। ज्यादा ही बड़ी गन नहीं है। ट्रेनिंग के लिए अच्छी है क्योंकि ये तुम्हें अपने शिकार से दूरी पर रखती है। ये टेलीस्कोप है, इसकी वजह से तुम अपने शिकार को एकदम पास से देख सकती हो, इतना पास कि निशाना आराम से लगाया जा सकता है। हाथ मिलने के बाद दिल और दिमाग पूरी तरह से शिकार पे होना चाहिए। अब इसे अपने कंधे पर लगाओ, अपनी बाएं आंख बंद करो और टेलीस्कोप से देखो। गोली जिस पे चलानी है उसे देखो। कुछ दिखाई दिया? हाँ, कुछ औरतें और बच्चे। औरत और बच्चों पर हम गोली नहीं चलाते, यह हमारा असूल है। किसी और को देखो। हाँ, एक आदमी दिख रहा है, बिल्कुल मेरे बाप जैसा है। मैं इसी पर निशान लगाती हूँ। हे, हेलो! क्या कर रही हो? उसे बुला रही हूँ। जब वो मेरी तरफ देखेगा मैं उसे गोली मार दूंगी। फिल्मों में तो ऐसे ही होता है, याद है घायल का क्लाइमैक्स, रानी जल कैसे चिल्लाता है बलवंत रे। ये कोई फिल्म नहीं है, ये ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के वक्त मजाक नहीं। निशाना लगाओ, अपनी आंखें उसी पर रखो, आराम से सांस लो, देखो वो क्या कर रहा है। अब निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ, सांस को खींचो, चलाओ। मैं बच गया। गुड, पहली बार चलाई है, अब असली गोली से ट्राई करें। आज के लिए इतना काफी है, यह हैंड ग्रेनेड है। दिखने में जितना ये छोटा है उतना ही खतरनाक है। अगर ये फट जाए तो पूरे घर को उड़ा सकता है, साथ में तुम्हें और मुझे भी। ये इसका पिन है, जब तक ये इसके अंदर है ये सेफ है। इसके निकलते ही 10 गिनने के बाद ये फट जाएगा। 1, 2 क्या ये अभी फटेगा? 3 मुझे भी पता ये नकली है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी। चुपचाप पी लो। We'll be right back.
लॉक। क्या हुआ? किरण, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किरण, ए किरण, किरण, घर परिवार याद आ रहा है। यह है तुम्हारा घर, मैं हूं तुम्हारा परिवार। जीवा, हम सुख चैन की जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? ये मौत का डर कब छोड़ेगा हमें? हम इस अंधेरे से कब निकल पाएंगे? निकल आएंगे, बहुत जल्द निकल आएंगे। जीवा, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दिया। सच? काम है तुमसे? कल सुबह पुलिस स्टेशन में आ, रात को 9 बजे के बाद मैं कोई काम नहीं करता। चल जा इधर से। और मेरा काम 9 बजे के बाद शुरू होता है। पुलिस वाले में हाथ उठाता है, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। कुछ दिन पहले मिल्टन टावर्स में बाली फैमिली को किसी ने एक साथ मार दिया था। जिस आदमी ने यह काम किया है, तू उसी के लिए काम करता है। कौन है वो? उसका नाम देवराज खत्री है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में एसीपी है वो। कल देवराज 2 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से आ रहा है। विद्यापति कॉलेज ग्रांड रोड में एक फंक्शन है, लेकिन उसे पकड़ लेना, क्योंकि अब देवराज मुझे छोड़ेगा नहीं, अब वो मुझे मार डालेगा। तेरा ये डर मैं दूर कर देता हूं। सर, ये कामयाबी तो आपको मिलनी थी, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की। देखिए, अपने देश के नौजवानों के लिए मैं जितना कुछ भी करूं कम है, और आगे भी मेरे पास ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिनके जरिए हम ड्रग्स को जड़ से मिटा देंगे। सर, इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए आपको किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी? बिल्कुल नहीं उठानी पड़ी। देखिए, आपको जानना चाहिए कि मेरे साथ साथ इस गवर्नमेंट में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं। डोंट वरी, जीत हमारी ही होगी। तो जाहिद खान को मार दिया गया है,
ये काम उसी का है जिसने उस लड़की को अब तक हमसे बचा के रखा हुआ है। सर, मुझे लगता है इस फंक्शन में आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, खान ने उसे बता दिया होगा कि मैं ये फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ। इतनी भीड़ में वो कहीं से भी मुझ पर गोली चला सकता है। आदमी को मारने के लिए एक ही गोली काफी होती है अगर वो गोली सही जगह पर लगे, और अगर वो मुझे मारना चाहता है तो गोली सही जगह पर ही मारेगा। के खिलाफ मुहिम छेड़ी है सर, वो तो काबिले तारीफ है सर, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया सर। मैंने ऐसा क्या किया है? आप जो कर रहे हो ये तो मेरा फर्ज है। ए मिस्टर, चलिए आप पीछे से जाइए। नशे के कहर से इस देश को बचाना है। नशा सुकून देता है, ये भ्रम है। नशा मौत देता है, ये सच है। अरे जिंदगी से प्यार करो और नशे पे वार करो। हस्ती को हरगिज न मिटने देंगे, अपने मुल्क की हस्ती को हरगिज न मिटने देंगे, अपने प्यारे जीवन में ये शहर न घुलने देंगे। अगर जीवन है ड्रग्स के शिकंजे में तो तुम हो मौत के पंजे में। आपने कुछ चुभ रहा है यार, कुछ काटा लगता है। नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स। नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स। संतोष, बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा ड्रेस में पहने हुए, तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। मैडम, यहाँ से एक काला चश्मा पहने हुए लंबे बाल वाले आदमी को जाते हुए देखा है? जी नहीं। ऑरेंज शर्ट पहने हुए था, किसी ने भी नहीं देखा? एक्सक्यूज मी, आपने देखा है? नहीं। मैडम, आपने देखा है?